सो हेलो गेमर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गेमर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक और बैड न्यू वीडियो। सो गाइस, इस वाले वीडियो के अंदर हम टॉप 3 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं अंडर 12 के। अगर भाई आपका बजट 12,000 के अंदर है तो भाई इससे अच्छे फ़ोन का आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है भाई? तो भाई बहुत अच्छे फ़ोन मैं आपको बताने वाला हूँ गेमिंग के लिए, जिसमें भाई आपका भाई गेमिंग BGMI वगैरह भाई आपका बहुत तक लैग नहीं होगा भाई, ठीक है भाई? बिल्कुल भी लैग नहीं होगा और भाई आपको 40 FPS आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो भाई वीडियो भाई बहुत ज़्यादा ओपन होने वाली है, वीडियो को पहले से लाइक कर लेना। और गाइस, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो भाई बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने थर्ड नंबर के फ़ोन की। तो गाइस, हमारे थर्ड नंबर के फ़ोन का नाम है रियलमी नाजो 50A। तो भाई इसी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं ज़रा। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इसके वेरियंट के बारे में। तो गाइस, ये हमको मिल जाएगा भाई 4GB रैम और 64GB रोम, ठीक है भाई? तो भाई अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो भाई रियलमी नार्जो 50 के अंदर भाई हमको 6000 mAh की एक मैच की बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, बैटरी तो भाई आपको बहुत अच्छी लगी। और गाइस, इसी के साथ ही 18W का भाई आपको फास्ट चार्जर भी मिल जाएगा, ठीक है भाई? तो भाई आपका एक घंटे भाई फ़ोन चार्ज कर देगा पूरा 100% तक ही, ठीक है? उसके बाद भाई हम बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो भाई इस फ़ोन के अंदर भाई हमको 6.5 इंच की LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। तो ये डिस्प्ले भी भाई बहुत सही है। और गाइस, उसी के साथ ही इस फ़ोन के अंदर हमको 60Hz के रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएंगे। और गाइस, जो कि होने वाले हैं 180Hz के टच सैम्पलिंग रेट के साथ। तो गाइस देखो, 60Hz ये भाई काफ़ी है भाई इतने प्राइस के अंदर, ठीक है? आप आराम से भाई खेल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे भाई रियल मेट में चलते हैं भाई, वैसे इसमें है, तो गाइस आप कोई दिक्कत नहीं, आराम से खेल सकते हो। लैग वगैरह गाइस आपका नहीं होगा भाई, 60Hz भी सही चलता है बिल्कुल। उसके बाद भाई हम बात कर लेते हैं अपने प्रोसेसर के बारे में। तो गाइस, रियलमी नार्जो 50A के अंदर भाई हमको MediaTek का हीलो G85 देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई? तो भाई ये भाई आपको अल्ट्रा आराम से दे देगा भाई, स्मूथ प्लस हेल्ड होगा, आपका लैग भी नहीं होगा बिल्कुल भी। तो गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गाइस आपका अल्ट्रा चलेगा और भाई लैग नहीं होगा, ठीक है भाई? तो भाई क्योंकि मैं खेला हूँ भाई इस वाले प्रोसेसर में, तो भाई बिल्कुल भी मेरा तो लैग नहीं होता। और भाई वैसे प्रोसेसर भाई बहुत सही है G85 भी हीलो का। तो भाई देखो, ओवरऑल अगर फ़ोन की बात करें तो भाई फ़ोन बहुत सही है। अगर आप चाहते हो तो भाई 12K के अंदर आराम से ले सकते हो। चलो भाई अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड नंबर के फ़ोन की। बात कर लेते हैं अपने सेकंड नंबर के फ़ोन की। तो गाइस, सेकंड नंबर के फ़ोन का नाम है TecnoPower 2। तो गाइस इसके बारे में थोड़ी ज़रा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके वेरिएंट के बारे में। तो गाइस, TecnoPower 2 हमको मिल जाएगा 4GB रैम और 64GB रोम के साथ। और गाइस, उसी के साथ ही इस फ़ोन के अंदर भाई हमको 7000 mAh की एक लॉन्ग रेंज बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, इसमें आप बहुत देर तक भाई आराम से गेम खेल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई 7000 mAh की बैटरी है। तो गाइस आप देख सकते हो भाई कितनी देर तक खेल सकते हो। और गाइस, उसी के साथ ही इसमें आपको 6.95 इंच की LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। तो ये डिस्प्ले भाई काफ़ी सही है। और गाइस, उसी के साथ ही 60Hz के आपको इसमें रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है भाई? तो भाई ओवरऑल तो भाई सही बात है, 60Hz के रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आप आराम से गेमिंग का मजा उठा सकते हो। और गाइस, उसी के साथ ही इसमें आपको 18W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आगे से चार्जर भी आपको आराम से कर देगा भाई जल्दी से, ठीक है? और गाइस, आपसे सबसे मेन टॉपिक भाई इसके प्रोसेसर के बारे में। तो गाइस, इसमें आपको मिल जाएगा भाई MediaTek का हेलियो G85 का गेमिंग प्रोसेसर। तो भाई जो पहले वाले फ़ोन में था रियलमी नार्जो 50A में, वही आपको सेम भाई इसमें देखने को मिल जाएगा। तो भाई दोनों में कुछ वो नहीं आ गए, तो भाई आराम से आप इसमें स्मूथ बेल्ट्रा खेल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिना किसी लैग के, ठीक है भाई? चेयर वगैरह में कोई डिले नहीं होगा आपका, बिल्कुल आप सही चेयर चलेगा, गाइस कोई दिक्कत नहीं, आराम से खेल सकते हो आप। तो भाई ये रहे भाई आपके दो फ़ोन। अब बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट नंबर के फ़ोन की। तो भाई हमारे फर्स्ट नंबर के फ़ोन का नाम होने वाला है इन्फिनिक्स का नोट 11। तो गाइस, हाँ यही फ़ोन होने वाला है गाइस, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके वेरिएंट के बारे में। तो भाई ये भी भाई हमको पहले दो फ़ोनों की तरह 4GB रैम और 64GB रैम के साथ मिल जाएगा। तो भाई वेरिएंट तो देखो भाई तीनों का सेम है। अगर आप चाहते हो तो भाई 128 वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो भाई अब बात कर लेते हैं इसके रिफ्रेश रेट के बारे में। तो गाइस, इस फ़ोन के अंदर भाई हमको 60Hz के ही रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएंगे, उसके साथ ही 180Hz के टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस, रिफ्रेश रेट तो देखो भाई तीनों में सेम ही दिखे मुझे अब तक तो, ठीक है भाई? तो भाई तीनों में सेम ही है। तो भाई अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो भाई इस फ़ोन के अंदर भाई आपको 5000 mAh की MSI बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो भाई बैटरी तो काफ़ी सही है भाई, जैसे हर फ़ोन में मिलती है आजकल भाई 5000 की, तो भाई वही इसमें है।
और भाई अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो वैसे इन्फिनिक्स नोट 11 के अंदर भाई हमको 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। तो भाई एमोलेड तो आपको पता ही है भाई, सही डिस्प्ले होती है भाई, कलर्स वगैरह बिल्कुल आपके सही लगते हैं भाई, स्पोर्टिंग में भाई आपको बहुत ज़्यादा मदद करवाते हैं, वो दूर दूर के बंदे भी जाते हैं। तो भाई डिस्प्ले भाई काफ़ी सही है। तो भाई अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो भाई इस इन्फिनिक्स नोट 11 के अंदर भाई हमको मीडियाटेक का ही हीलो G88 देखने को मिल जाएगा। तो भाई इसमें 85 से ज़्यादा थोड़ा 3 ज़्यादा हो चुका है। तो भाई प्रोसेसर तो भाई इसका बहुत अच्छा है भाई, इसमें आप आराम से भाई गेमिंग का मजा ले सकते हैं भाई बिना किसी लैग के। ठीक है भाई, तो बस यही था भाई आज की वीडियो। तो भाई मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।